हेलो गाइस, नमस्कार। तो गाइस, आपका भाई आज यानी प्रतापगढ़ के जंगल में आया है और यहाँ पर एक पीपल का पेड़ है। ऐसा बताया जाता है कि वहाँ पर रहता है एक जिंद का सरदार। तो यार, वो जिंद का सरदार आज मिलेगा या नहीं मिलेगा, आज देखते हैं। और गाइस, आप आवाज़ भी सुन सकते हैं। हमारे साथ यहाँ पर कोई भी नहीं आया भाई। कैमरा चारों तरफ दिखा दे, कैमरा कोई नहीं आया अपने साथ। हम तीन लोग हैं और कोई भी नहीं है भाई। आगे आइए, आप भाई बताओ। तो दोस्तों, आपको लोकेशन देख के पता तो लग गया होगा कि कितनी डेंजर जगह है। सबसे डेंजर इस लोकेशन को क्या बनाता है कि इसके दोनों तरफ पहाड़ है और बीच में से मात्र ये रास्ता है, ये भी केवल पैदल जाने का है। इधर से कोई भी किसी प्रकार का साधन नहीं आ सकता। दोस्तों, हम लगभग 2.5-3 किलोमीटर जंगल के अंदर आ चुके हैं। पीछे भाई दिखा दे एक बार, कुछ भी नहीं है भाई। पीछे घुमाना है। मैं एक काम करता हूँ भाई, मैं एक लकड़ी का टुकड़ा ले लेता हूँ। हम एक गांव में से निकल के आए हैं दोस्तों, और गांव के अंदर से निकलने के बाद ये रास्ता हम 2-2.5 किलोमीटर पैदल सफर करके अंदर की तरफ आ गए हैं। और जंगल की तरफ रास्ता खत्म होता है। और दोस्तों, इसकी जो जिस लोकेशन पे हम जा रहे हैं ना, वो लोकेशन कुछ इस तरह से है कि उसमें एक जिंद है जो रहता है, जिसको हजारों साल पहले तंत्र मंत्रों द्वारा कैद करके रखा गया था। और आज कुछ लोग हमें गांव वाले बताते हैं कि भाई, वो जो जिंद है, शनिवार का जो दिन होता है ना, उस दिन रात को यहाँ पे उसके चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। वो बोलता है कि मुझे आज़ाद करो। और दोस्तों, हम आज एक पीपल का पेड़ है, गांव वालों ने हमें बताया है, उधर हम जाने वाले हैं। तो यार, देखेंगे हमारे साथ क्या होता है। लेकिन यार, लोकेशन काफ़ी डेंजर है। आप देख सकते हैं कितने, मतलब इधर कुछ भी नहीं है भाई। एक बार इधर और दिखा दे भाई। यार, मेरे को जानवरों का डर ज्यादा लग रहा है इधर। आपको तो पता होगा। और इधर दोस्तों, जानवरों का ज्यादा खतरा है। आप देख सकते हैं साइड में से नला है, जिसमें से पानी नहर जा रहा है। वो नला आता है, ऊपर से पानी आता है नीचे। इसमें डैम था काफी पहले, हम छोड़ आए हैं उसे नीचे की तरफ। भाई यार, कैसा सुनसान लग रहा है भाई, कोई भी नहीं दिख रहा यहाँ पर। भाई जी, आपको पता है प्रतापगढ़ एक जिला है और हम उस जंगल में है। यहाँ पर आर के आर भाई भी आया था इस प्रतापगढ़ के जंगल में। तो दोस्तों यार, वैसे काफी डेंजर है। आप देख सकते हैं तारे निकल रहे हैं, रात का काफी टाइम हो चुका है। आप आवाज सुन सकते हैं, देखो किस रात को नाइट की कैसी आवाज आ रही है। देखिए भाई, एकदम शांति से शांति एक बार देखो कैसी आवाज आ रही है। जैसे भौरा गूंजता है ना, उस टाइप में बस। यहाँ पे कैसी भी वैसी और कैसी भी आवाज है अभी तक तो है नहीं यहाँ पर। तो दोस्तों, हमने जो आपको पीपल का पेड़ बताया ना, वो सामने है भाई। वो रहा, वो देखे दोस्तों पीपल का पेड़। आप अंदाजा लगा सकते हैं, एक सुनसान जंगल में आपको पीपल का पेड़ मिल जाए। आपने आज तक कहीं भी जाओ तो आप देखोगे जंगल में आपको पीपल का पेड़ कहीं नहीं मिलेगा लगभग। लेकिन इस जंगल में, इस सुनसान वीरान जंगल में भाई, ये क्या है भाई, ये आवाज किधर से आई? आवाज तो वहां से आ रही है। कैमरे को उधर करना, उधर कर यार। पीपल की तरफ क्या आवाज आ रही है? पीपल दिख रहा है क्या? दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है भाई। इसके थोड़ा सा पास करते हैं यार, दिखा दे। आजा भाई, राम भाई। दोस्तों यार, रिस्क लेके हम नहीं भाई, नहीं चल जाए, इतना रिस्क नहीं लेना चाहिए यार। आजा तो भाई, एक बार देखते हैं यार, एक बार आजा यार, देख क्या आवाज तो आ रही यार, देखते हैं या नहीं भाई। ये बच्चों को आवाज लगाता रहे भाई। भाई तो जंगल में आ तो गए हैं। और यहाँ भाई यार, वापस आ जाओ यार, मैं बोल रहा हूँ। इतना रिस्क भी ठीक नहीं रहेगा यार। दोस्तों, हमने आपको बताया था कि ये जो पहाड़ी है ना, ये जिन्न की पहाड़ी है, जिसमें कोई भी नहीं आता। भाई तेरे पीछे, पीछे पीछे पीछे
यार इधर था यार कुछ, और अभी दिखा था कुछ यार। दोस्तों इसके अंदर तो आना बहुत आसान था, लेकिन यहाँ से निकलना बहुत ही डेंजर हो रहा है यार। क्या था यार यहाँ पर तो आए थे भाई, अभी खड़ा था यहाँ पर कुछ था यार, पता नहीं कौन था। दोस्तों हम तीन हैं भाई, वो रहा देख ऊपर 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 की तरफ, उधर देख भाई उधर दिख रहा है उधर कुछ। नहीं यार नहीं, ऊपर देख यार। दोस्तों ये पहाड़ी है आप देख सकते हैं, क्या दिख रहा है भाई, बिल्कुल काफी ऊंची पहाड़ी है यार। पेड़ के पीछे देखो देख क्या है ये सामने, मतलब काफी लंबी चौड़ी है, हम इसके एंड तक तो पहुंच भी नहीं पाए भाई। आवाज भाई यार आ जाओ आ जाओ वापस, उधर वो भाई रुक भाई भाई जल्दी भाई रुक भाई, कैप्चर हो रहा है। हां क्या है यार क्या रु भाई रुक 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 भाई यार कुछ दिख रहा है, ज़ूम कर ज़ूम कर ज़ूम कर ज़ूम कर यार ये तो भाई रुक रुक अजीब सा इस वो है इसका यार, क्या है ये यार, इसकी आंखें से क्या जल रही है, साइड में देख इसकी आंखें क्या जल रही है, करने कोशिश कर भाई साइड में देख, साइड पीछे इसके पीछे देख, ये क्या चल रहा है भाई पीछे देख भाई, भाई वापस आ जाए यार। आपको बता दें हम जिस दिन पहाड़ी में आए थे वो नीचे आ गए भाई यार, इसकी रोने की आवाजें आ रही है। हमने आपको बताया था भाई चले हर शनिवार को यहाँ से कुछ अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं, और ये बोलते हैं कि गांव वाले कि इसे तंत्र मंत्रों में बांध के रखा गया है, इस वजह से ये गांव के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है, और इस पहाड़ी में और वो जो पीपल का पेड़ है उसी में रहता है। भाई भाई इधर आ रहा है वो, रुक 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 क्या यार ये भाई चल भाई, और घर चलो यार घर चलो चल 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 वापस। तो दोस्तों यार हमें अब लगता है यहाँ से निकलना चाहिए यार, क्योंकि हमें रिस्क नहीं लेनी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब जरूर कर दो, क्योंकि इतने रिस्क हम केवल आपके लिए ही लेते हैं। यार देखो पीछे आ रहा है यार, ऐसा लग रहा है ऊपर दारा उठ गया, देखते मतलब यार उसके पैर देखे एकदम ऊपर जा रहा है कैप्चर हो रहा है, दिख रहा है भाई दिख रहा है, कैप्चर कर रहा है वो, देख दिखा क्या है जो यार क्या भाई यार, ये तो बुड्ढे की तरह लग रहा है ना, ये बुड्ढा जी है यार, आ जाओ यार वापस आ जाओ, बुड्ढे की तरह लग रहा है, हाथ में शायद ऐसा लग रहा है कि कुछ ले रखा हो ना यार। दोस्तों हमें लगता है भाई निकलना चाहिए, निकलो भाई क्योंकि यार काफी रात हो गई है, रात हो गई है और वैसे भी 10 बज गए हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, हम वीडियो को यहीं एंड करते हैं।